Hello friends, this is Hamad Haq from the same channel, from the same ground, nothing intoxicated. आज हम पिछली प्रीवियस वीडियो में हमने टाइम को बस कंप्लीट कर दिया. टाइम जितना हम डिस्कस कर सकते थे उतना हमने डिस्कस कर दिया. अब हम इसमें जो है कवर करेंगे लेंथ को. लेंथ चूंकि तीसरा बेसिक यूनिट है, बेस यूनिट हम जिसे हम बेस यूनिट के प्रस्पेक्टिव में सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं, इस तरह हम लेंथ को भी अब बेस यूनिट के प्रस्पेक्टिव में ही जिक्र करेंगे. इसमें हमारे पास मैंने जैसे यहाँ पे चार्ट पे लगाया हुआ है पहले ही लेंथ बिफोर 1905 एंड लेंथ आफ्टर 1905. मतलब लेंथ पहले 1905 मीन्स द प्रोपोजिशन ऑफ आइंस्टाइन स्पेशल रिलेटिविटी से पहले क्या था लेंथ का प्रस्पेक्टिव, उसके बाद लेंथ क्या हो गई. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंथ को क्लियर करना चाहते हैं इस प्रस्पेक्टिव में कि लेंथ समझें कि लेंथ है क्या चीज़. अकॉर्डिंग टू फेमस डेफिनेशन बिफोर 1905 लेंथ इज़ अ कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी. लेंथ इज़ अ कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी विच मीन्स नॉट चेंज विद स्पीड. कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी का मतलब क्या है, लेंथ इज़ अ कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी बिफोर 1905. हम इस पर अभी स्टडी कर रहे हैं. तो बिफोर 1905 लेंथ इज a constant quantity. पहली बात यहाँ पर क्या मैं इसमें क्लियर हो गई कि लेंथ एक कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी है. अगर मैं एक 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 लेंथ है, ये फर्ज कर लें आप इसको 10 मीटर कह दें. ये अगर यहाँ पर 10 मीटर है तो अगर मूव करेगी विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड तो ये यहाँ भी मूविंग वेलोसिटी में भी ये 10 मीटर ही होगी. लेंथ इज अ कॉन्स्टेंट एवरीवेयर, इसका एक्चुअली मतलब ये है. लेकिन अब जब हम नेक्स्ट लेवल पे स्टडी करते हैं तो लेंथ जो है वो इसकी मुख्तलिफ डेफिनेशन है. मुख्तलिफ डेफिनेशन ऐसे हैं कि लेंथ इज़ द मेजर ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस. लेंथ जो है असल में मुख्तलिफ डायमेंशंस को मेजर करने का तरीका. अब मेजर करने का तरीका कैसे है कि आप तो ये जानते हैं ना, पहले हम थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री आप तो जानते हैं. ज्योमेट्री के अंदर लेंथ जो है ना वो इन तीन डायमेंशंस को मेजर करने का. ये देखें आप, ये हमारे पास थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है, ये थ्री डायमेंशनल प्लेन है, ये हमारे पास एक्स वाई और जी, ये आउट ऑफ बोर्ड है. अब हम यहाँ पर जिक्र करते हैं ये थ्री डायमेंशनल है. अब इसकी मेजरमेंट विच इज़ लेंथ, मतलब इसको हम क्या में विड्थ भी कहते हैं, इसकी मेजरमेंट इसको हम विड्थ भी कहते हैं और इसकी मेजरमेंट इसको हम हाइट भी कहते हैं. तो द मेजरमेंट हम इसको अब ऐसे डिफाइन करते हैं, द मेजरमेंट ऑफ लेंथ सॉरी विड्थ ब्रिथ एंड हाइट इज कॉल्ड लेंथ. लेंथ एक्चुअली विड्थ ब्रिथ और हाइट की मेजरमेंट है. डेप्थ जिसे हम कहते हैं, ये डेप्थ जेड ही होता है. अब आपको इससे समझ आ जाएगी कि हम डायमेंशंस भी मेजर करते हैं. डायमेंशन की मेजरमेंट जो है ना वो लेंथ है एक्चुअली. इसलिए इतना बेसिक यूनिट है कि आगे हायर डायमेंशन फिजिक्स आती है तो उसके अंदर हम लेंथ को एज अ लेंथ यूज करते हैं और कोई चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं करवाते. अब आप इसको देख लें, ये आपके पास एक बॉक्स है, ओके. इसको अंडरस्टैंड करें, ये देखें ये इसकी लेंथ है 10 मीटर, ओके. सपोज कर लें ये इसकी हाइट है 10 मीटर, सही. अब आपके पास उसमें तो और कोई मेजर नहीं हो सकता ना, 10 मीटर 10 मीटर हाइट. अब आप देखें इसमें एक और बॉक्स क्रिएट करें, इसकी भी 10 मीटर लेंथ है, सही. इसको इसके साथ मिला दें, इसको इसके साथ मिला दें, इसको इसके साथ मिला दें और इसको इसके साथ मिला दें, क्या बन गया, ये एक थ्री डायमेंशनल बन गया जिसके यहाँ पर प्लेन है. अब इसकी लेंथ जो है, इसकी लेंथ ये भी 10 मीटर हो गई. तो लेंथ असल में मेजर है, मेजरमेंट है इन डायमेंशंस की. लेंथ एक्चुअली डायमेंशंस की मेजरमेंट है. तो इसमें आई होप आप इस पे क्लियर हो गए होंगे. असल में हम अगर इन शॉर्ट देखा जाए तो लेंथ इज द मोस्ट एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ डायमेंशन. देखिए आपके पास एक पॉइंट ए है, इससे एक चीज़ शुरू हुई, यूं गई और इस पॉइंट बी पे ख़त्म हो गई. ये आई होप यू आर क्लियर इन दिस. पॉइंट बी पे ख़त्म हो गई. अब लेंथ जो होगी ना, लेंथ वो ये होगी, ये लेंथ है इसकी. मींस दिस इज़ द लेंथ ऑफ ए पाथ और दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पाथ.
द डायरेक्ट, तो मोस्ट एक्सटेंडेड, सबसे ज्यादा एक्सटेंडेड क्या है इसमें, सबसे ज्यादा लंबा यही हो सकता है, और ज्यादा लंबा नहीं हो सकता इस ट्रैक को फॉलो करते हुए। तो अब डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी एज अ फॉर्म ऑफ लेंथ है, सही, क्योंकि हम लेंथ इज अ बेसिक यूनिट, तो बेसिक यूनिट, बेस यूनिट की डेफिनेशन यही है कि ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर यूनिट्स आर एक्सप्रेस्ड। तो लेंथ जो है वो एक पाथ की एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ ए डिस्टेंस इज कॉल्ड लेंथ, ये भी एक डेफिनेशन है, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ ए डिस्टेंस इज कॉल्ड लेंथ। उसके बाद हमारे पास जो है हम इसमें मुख्तलिफ यूनिट्स यूज़ करते हैं, यूनिट देखिए पहले जो है ना, पहले ज़माने में यूनिट्स जो यूज़ होते थे ना, वो आप देख रहे होंगे, देख सकते होंगे, देखें ये मेरा हाथ है, ये दिस इज़ माई एल्बो, दिस इज़ माई फिंगर टिप, इसको पूरा सीधा आपने करा, देखिए इधर से इस एल्बो तक इसका जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये इसको लेंथ के यूनिट के तौर पर हम यूज़ करते थे पहले। उसके बाद आप ये देखें, ये जो हमारे फिंगर टिप्स हैं आप देख सकते होंगे इसको, ये फिंगर टिप्स हैं, और इसमें ये जो हिस्सा है, ये जो लाइन है, पहली फिंगर की लाइन है, ये लाइन है, ये पहली लाइन जो है ना इतनी, ये एक इंच है, वन इंच, इंच जो यूनिट है मीटर, जो हम पहले ज़माने में ऐसे यूज़ करते थे, नहीं? उसके बाद जैसे जैसे तरक्की होती गई, हम मीटर रूल यूज़ करने लग गए, हम स्क्रू गेज यूज़ करने लगे, वर्नियर कैलिपर यूज़ करने लगे, मुख्तलिफ लेंथ के इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, मेजरिंग टेप आ गई, नहीं, तो यूनिट हमारे पास लेंथ के कौन से, हमारे पास पहला यूनिट जो SI यूनिट है, SI यूनिट जो है वो है मीटर, SI यूनिट हमारे पास मीटर है। उसके बाद हमारे पास यूनिट जो है वो इंच है, उसके बाद फिर माइल, फिर इस तरह जाते जाए हमारे पास मुख्तलिफ यूनिट और भी, यार्ड जिस तरह हम कहते हैं, ये मुख्तलिफ यूनिट्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं लेंथ की स्टडी में। अब दूसरी बात ये हो गई कि किलोमीटर एक यूनिट है, विच मीन इक्वल टू 1000 मीटर, तो अब हम एक और यूनिट यूज़ करते हैं माइल, इसी के इन किस्म के यूनिट्स को हम इम्पीरियल यूनिट्स भी कहते हैं, जो ज़रा सुपरमेसी शो करते हैं, अपनी सुप्रीम होते हैं, ज़रा अच्छे लगते हैं बोलने में, तो इम्पीरियल मेजरमेंट्स भी होती हैं ये, तो 1 माइल इज इक्वल टू 60.672 माइल्स जो है ना वो 1 किलोमीटर के, 1000 मीटर के बराबर है, तो शॉर्ट यूनिट है, इस वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। इस तरह हमारे पास और भी यूनिट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, देखिए हर फील्ड के अपने यूनिट्स होते हैं, हर फील्ड के अपने यूनिट्स होते हैं, जिस तरह हमारे पास लेंथ मास टाइम जो है हम आम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में यूज़ करते हैं, इसी तरह एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स भी हमारे पास होते हैं, मतलब लाइट का डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस मेजर करने के लिए बड़े बड़े जो स्टार्स होते हैं, गैलेक्सीज होती हैं, इनका डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमारे पास भी मुख्तलिफ सिस्टम्स होते हैं। उसके हमारे पास पहले जो लाइट का, फर्स्ट कर लें आप अर्थ पे खड़े हैं, दिस इज आवर अर्थ, यहाँ से लाइट एक स्पीड से जा रही है, और ये एक स्टार है, स्टार की लाइट आप तक पहुँच रही है, हम इस ये डिस्टेंस अर्थ से स्टार तक का डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, तो हम लाइट की स्पीड से मेजर करते हैं, लाइट की स्पीड से, स्पीड ऑफ लाइट से हम मेजर करते हैं, उसे इन किस्म, इस किस्म के यूनिट को हम फिर लाइट ईयर्स से डोनेट करते हैं, लाइट ईयर्स, LY, लाइट ईयर से हम डोनेट करते हैं इसको। हमारे पास हमने लाइट ईयर्स की भी मुख्तलिफ यूनिट बनाए हुए हैं, इस बार हमारे पास पार सेकेंड हमारे पास लाइट का यूनिट है, लाइट ईयर्स का यूनिट है, एक पार सेकेंड जो है वो 3.626 लाइट ईयर्स के बराबर होता है, एक पार सेकेंड, सही, और एक लाइट ईयर में हम अप्रॉक्सीमेटली, आई होप ये सही होगा, 10^13 किलोमीटर है, इतना डिस्टेंस है, तो हम लाइट ईयर्स को यूज़ करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस यूज़ करने के लिए, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस मेजर करने के लिए। अब हमारे पास यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गए, जेस्टर्स भी हमने, इसके बाद और भी इसमें यूनिट्स हैं वो डिस्कस, वो आप खुद भी वो देख सकते हैं, हमारा काम है आपको वो करना, समझाना कि ये एक्चुअली है क्या। इस तरह अब हमारे पास जो है, अब हम इसकी तरफ आते हैं, लेंथ आफ्टर 1905 की तरफ आते हैं,
एक्चुअली लेंथ आफ्टर 1905 मैंने इसलिए लिखा कि लेंथ आफ्टर स्पेशल रिलेटिविटी, लेंथ आफ्टर स्पेशल रिलेटिविटी 1905 को आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल रिलेटिविटी पेश की, इसमें लेंथ भी वो है। अब इसमें लेंथ इंक्लूड जो है, तो लेंथ अब एक्चुअली है क्या है, कैसी आइंस्टाइन ने लेंथ की पर्सपेक्टिव को चेंज किया वो हम डिस्कस करते हैं। आइंस्टाइन ने लेंथ की पर्सपेक्टिव को ऐसे चेंज किया कि लेंथ, आइंस्टाइन ने कहा कि लेंथ जो है वो सेम नहीं रहती, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट करती है। और कब कॉन्ट्रैक्ट करती है, जब एक बॉडी मोशन में होती है, मूव करती है। मैंने आपको पहले एग्जांपल दी, आप वीडियो रिवाइंड करके भी देख सकते हैं कि लेंथ जो है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है 1905 से पहले के प्रस्पेक्टिव्स में, जब न्यूटन और गैलीलियो ने अपने मैथमेटिक्स और अपनी फिजिक्स के प्रस्पेक्टिव्स में इसको डिफाइन किया, तो उन्होंने कहा कि लेंथ जो है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। अगर एक बॉडी मूव भी कर रही होगी तो लेंथ उसकी सेम ही रहेगी। लेकिन आइंस्टाइन ने कहा कि नहीं, जब एक बॉडी मूव कर रही है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, तो उसकी लेंथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, मीन लेंथ कम होगी। दिस फिनोमिना, द लेंथ कॉन्ट्रैक्शन इज द फिनोमिना, ये वो फिनोमिना है दैट अ मूविंग ऑब्जेक्ट्स लेंथ इज मेजर टू बी शॉर्टर देन इट्स प्रॉपर लेंथ, विच इज द लेंथ एज मेजर इन द ऑब्जेक्ट ओन रेस्ट फ्रेम। आपके पास हम इसको एक्सप्लेन थोड़ा सा मैं एलेबोरेट कर देता हूँ कि एक बॉडी है, फर्स्ट कर लें, एक ये बॉडी है, ये 10 मीटर लॉन्ग है। अगर ये एक वेलोसिटी वी से ट्रेवल करती है, सही, वेलोसिटी वी से ट्रेवल करती है, तो ये बॉडी हमें, अगर ये वेलोसिटी क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट है, क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट है, तो ये वेलोसिटी जो है, हम इसको ऐसे लिखते हैं, अप्रॉक्सीमेटली लिख देते हैं, तो ये वेलोसिटी, ये जो लेंथ जो है वो 10 मीटर से कम हो जाएगी। आइंस्टाइन का पर्सपेक्टिव ये है कि वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर से फिर कम हो जाएगी। तो अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम देख लें, ये हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो फ्रेम जिधर हम पहली मेजर वैल्यू लेते हैं, सही, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसमें अगर एक लेंथ जो है वो 10 मीटर है, तो जब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेवल करेंगे, तो यहां पर इसकी लेंथ जो है ना वो 9.5 मीटर हम मेजर करेंगे। एक्चुअली इसको एक्सप्लेन ऐसे किया जाता है ना कि आप देखें कि एक बंदा है वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, सही, और ये बंदा खड़ा हुआ है जी, करीब करीब बंदे की तरह ही लग रहा है ये, और एक ट्रेन है वो जा रही है, इसके अंदर, इसके ऊपर एक बंदा खड़ा हुआ है, सही। ये एक हमारे पास स्केल है, ये जीरो से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, up to so on। अब इस बंदे ने एक रॉड है इसके हाथ में, इसकी लेंथ जो मेजर करी वो इसके मुताबिक कितनी होगी, 1 मीटर, लेंथ नॉट जो मेजर करी वो 1 मीटर मेजर करी। अब जो बाहर खड़ा हुआ है, ट्रेन भी तो एक वेलोसिटी से मूव कर रही है, जब उसने मेजर करी, तो जब ट्रेन इधर पहुंची तो लेंथ कितनी इंक्रीज हो गई, लेंथ कितनी कॉन्ट्रैक्ट हो गई। उसने जब लेंथ मेजर करी, तो उसने यूं करके यूं लाते लाते यहाँ पर तो ये लेंथ मेजर करी, मीन उसने लेंथ जो मेजर करी वो मेजर करी उसने 0.7 मीटर मेजर करी लेंथ। तो लेंथ जो है वो रिलेटिव टू पर्सन कॉन्ट्रैक्ट होती है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन इज द ओनली इन द डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज ट्रेवलिंग। जब बॉडी इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट भी इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी। इधर एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना आता है, वो इंटरेस्टिंग फिनोमेना ये है कि अगर मेरी हाइट जो है वो 7 मीटर है, सही, फर्ज कर लें, तो और क्या नाम है, मैं ट्रेवल कर रहा हूँ विद स्पीड ऑफ कंपेरेबल विद द स्पीड ऑफ लाइट, सही, मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, तो मेरी जो हाइट है ना वो अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर तक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, और मैं जो हूँ ना वो आपको 5 मीटर का, 5 मीटर्स का लगने लगूंगा। ये है, और अगर आप इसका ये फेमस फार्मूला है आइंस्टाइन का, वो मैं लिख देता हूँ, इसमें क्लियर हो जाएगा आपको कि लेंथ द मेजर एक्चुअली लेंथ इज द लेंथ ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय 1 माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर अंडर द रूट।
एक्चुअली लेंथ ये है, अगर एक ऑब्जेक्ट की लेंथ रेस्ट पे मतलब इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस में 10 मीटर है ऑब्जेक्ट की लेंथ, और वो वेलोसिटी ऑफ 0.5 ऑफ द सी स्क्वायर से ट्रेवल कर रहा है, तो आप इसमें 1 माइनस 0.5 ऑफ द सी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर अंडर द रूट, सी स्क्वायर कैंसल, 1.5 ऐसे माइनस कर लें आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, तो लेंथ जो है ना वो इसके बराबर फिर हो जाएगी। इस वैल्यू से जो इस डेटा से जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास इसके बराबर होगा एक्चुअली जो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हुई है। तो आइंस्टाइन ने एक फेमस एस्टोनिशिंग पर्सपेक्टिव पेश किया जिसके मुताबिक हम डिफाइन कर सकते हैं कि लेंथ एक्चुअली है क्या। अगर यहाँ पर एक इंस्ट्रक्टिंग कंडीशन है इंटरेस्टिंग कि लेंथ इसके बराबर कब होगी, इसके बराबर लेंथ कभी नहीं हो सकती, ठीक है। दूसरी बात यह है कि शायद हो जाए, आई डोंट नो। अब आपके पास ये है कि अगर वेलोसिटी सी के बराबर हो गई तो क्या होगा, 1 माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर कैंसल, 1 माइनस 1, 0 0 अंडर द रूट 0 इज इक्वल टू 0, इधर 0 पुट कर दे, लेंथ इज इक्वल टू लेंथ नॉट डिवाइड बाय 0, लेंथ बिकम्स इनफिनिटली स्मॉल इफ बॉडी इज ट्रेवलिंग विद द स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट विच इज नॉट पॉसिबल इन फिजिक्स और इन स्पेशल रिलेटिविटी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन पर्सपेक्टिव। तो लेंथ इन्फिनिट हो जाएगी, मतलब इतनी छोटी हो जाएगी कि आपको नजर भी नहीं आएगी। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसको लाइक करें, शेयर करें, इस पर कॉमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह और भी वीडियोज अब आएंगी, इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो मोल पे होगा, मोल अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अस्सलाम वालेकुम।